शुरुआत के साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ जाता है। दरअसल डेंगू एडीज मच्छर के काटने से शरीर में फैलता है। डेंगू होने से शरीर में तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और तेजी से शरीर के प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं। इस मौसम में यह बीमारी सबसे तेजी से फैलती है। ज्यादातर डेंगू बुखार की चपेट में बच्चे और बड़े बुजुर्ग आते हैं। आपको बता दें, डेंगू के हल्के लक्षण भी जानलेवा होते हैं। डेंगू में खान पान का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि डेंगू के बुखार में क्या चीज खानी चाहिए और किन चीजों का परहेज करना चाहिए। पहला, मसालेदार खाना। डेंगू के मरीजों को मसालेदार खाने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। यह पेट में एसिड जमा कर सकते हैं और अल्सर की दिक्कत बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से डेंगू के ठीक होने में अधिक समय लग जाता है। दूसरा, कॉफी। डेंगू में कॉफी या कैफीन से जुड़ी चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स पीना चाहिए और कैफीन युक्त ड्रिंक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दिल की धड़कन बढ़ाने और थकान और मांसपेशियों की दिक्कत बढ़ा देती हैं। तीसरा, नॉनवेज खाने से दूर रहना चाहिए। डेंगू के मरीजों को नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खूब सारा मसाला होता है और ये आसानी से पचता भी नहीं है। नॉनवेज मरीज की दिक्कत को और बढ़ा सकता है, इसलिए इस समय गुनगुना पानी पिए और खूब सारा हेल्दी लिक्विड डाइट लें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डेंगू में किन चीजों को खाने से शरीर को फायदा मिलेगा। पहला, नारियल पानी। डेंगू के बुखार में नारियल पानी पीना बेहद फायदेमंद माना जाता है। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। दूसरा, पपीते का पत्ता। पपीते के पत्ते में पेपेन और काइमोपेपेन जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। ये पाचन में मदद करते हैं और सूजन और पेट फूलने की समस्या को रोकते हैं। इसके अलावा ये प्लेटलेट्स काउंट भी तेजी से बढ़ाते हैं। 30 ml ताजा पपीते के पत्ते का रस प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में मदद करता है और इससे डेंगू के इलाज में मदद मिलती है। तीसरा, कीवी। कीवी में पोटेशियम के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन ई की अच्छी मात्रा होती है। ये बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने के साथ हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। कीवी में मौजूद कॉपर विशेष रूप से स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं को बनाती है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और डेंगू बुखार से लड़ने में मदद मिलती है। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ NCR।